Hello guys, welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial I am going to discuss about the restriction mapping examples asked in the CSIR examination 2016 as well as in life science gate life science examination 2014. So let's see what are those examples and how to solve them easily. This question is asked in the CSIR examination December 2016, ठीक है, इसमें पूछा गया है और क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि यू आर इंसर्टिंग अ जीन ऑफ 2 KB लेंथ इनटू अ 3 KB वेक्टर, ठीक है, 2 KB लेंथ का जीन है जो कि 3 KB वेक्टर में इंसर्ट किया जा रहा है GST फ्यूजन प्रोटीन से. एंड देन यू जो इंसर्ट है उसमें क्या है कि स्टार्ट साइट से फर्स्ट कोडॉन से क्या है 5 बेस पेयर के डाउन स्ट्रीम पे हिन 3 साइट है, ठीक है. सो उसके बाद क्या होता है कि देन उन्होंने क्या किया कि 2 डाइजेशन किए, ठीक है. यहाँ पे आपका दिया हुआ वेक्टर दिया हुआ है, प्रमोटर GST बैम H1 साइट है, ठीक है, इको R1 साइट है और PST1 साइट है. एंड उन्होंने क्या किया कि आफ्टर इंसर्टिंग द जीन दे हैव डाइजेस्टेड दिस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट DNA विथ HIN3 एंड BAM-H1, विथ HIN3 एंड BAM-H1. एंड दूसरा जो कॉम्बिनेशन यूज किया दैट इज HIN3 प्लस PST1, ठीक है. 2 कॉम्बिनेशन यूज किए, एच में HIN3 प्लस BAM-H1 पे यूज किया एंड दूसरे कॉम्बिनेशन में HIN3 प्लस PST1 पे यूज किया. देन उन्होंने उसके बाद क्या किया, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया. रन करने के बाद जो बेसिकली क्या आया, आपका प्रोडक्ट आया, उससे आइडेंटिफाई करना है कि कैसा बैंड आपको अपीयर होगा. सो लेट सी द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. तो अगर जो कि क्वेश्चन में बताया गया था, क्या बताया गया था कि एक 3 KB का आपका वेक्टर है जिसमें कि प्रमोटर है P, GST फ्यूजन प्रोटीन है, टर्मिनेशन साइट है और इस पर 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, कौन कौन सा, BAM-H1, ECO-R1 और PST1, ठीक है. और उसके बाद क्या है कि आपके पास एक इंसर्ट है, इंसर्ट में उन्होंने क्या बताया, इंसर्ट का साइज इज 2 KB, 500 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट कोडन, कौन सा साइट रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट था, HIN3, ठीक है. तो अब उसके बाद क्या है कि इंसर्ट को आपने वेक्टर के साथ लाइगेट किया, लाइगेट करने के बाद वो कहाँ पे लाइगेट होगा, उन्होंने कहाँ पे लाइगेट किया था, ECO-R1 पे लाइगेट करेंगे. कुछ इस तरीके का आपका रिकॉम्बिनेंट DNA बनेगा, ठीक है. रिकॉम्बिनेंट DNA में जो BAM-H1 पहले था, ECO-R1 PST उसके बाद था, ठीक है. ये जो ऊपर साइड दिखाया उन्होंने, ऑर्डर में साइड दिखाया, पहले BAM-H1, ECO-R1 देन PST1, ठीक है, उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी आएगा. BAM-H1 है, फिर इंसर्ट आया, इंसर्ट क्योंकि ECO-R1 की जगह पे इंसर्ट किया हमने तो इंसर्ट आया, देन उसके बाद PST1. अब इंसर्ट में ही फाउंड 500 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम पे क्या है, HIN3 साइट है, ठीक है, 500 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम पे HIN3 साइट है. आपने क्या किया कि अब 2 कॉम्बिनेशन बनाए उन्होंने एंजाइम के, पहला HIN3 और BAM-H1 का था, दूसरा HIN3 और PST1 का था, ठीक है. आपने दोनों डाइजेशन कराए, HIN3 डबल डाइजेशन है 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू. अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप BAM-H1, ठीक है, BAM-H1 और HIN3 से डाइजेस्ट करेंगे तो आपको एक ये वाला फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक है, एक ये वाला फ्रैगमेंट मिलेगा 500 बेस पेयर, ठीक है, एक ये फ्रैगमेंट मिलेगा. और दूसरा जो फ्रैगमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, एक 3 KB ग्रेटर देन 3 KB का और एक लेस देन 1.5 KB का, ठीक है, ये जो मिलेगा. तो इनको टोटल कंबाइन कर दिया तो जो बेसिकली ये क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन के फॉर्म में आएंगे, एग्जैक्टली आपको नहीं पता है. आपको जो पता है क्या है कि 500 बेस पेयर आपका बनेगा जब आप HIN3 और BAM-H1 से डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर कट पता है. तो आप इस पर देखिए, इन दोनों को डाइजेस्ट जब करेंगे, HIN3 और BAM-H1 की हेल्प से जब डाइजेस्ट करेंगे तो आपको 500 बेस पेयर का एक बैंड श्योर शॉट मिलने वाला है, ठीक है. सेकेंड केस देखते हैं जब HIN3 और PST1 से डाइजेस्ट करते हैं, HIN3 और PST1 से, क्योंकि ये 1-2 किलो बेस पेयर का इंसर्ट है तो 500 बेस पेयर के बाद HIN3 है तो बाकी जो साइज होगा कितना होगा, 1.5, ठीक है, 1.5 होगा. तो HIN3 और PST1 से जब आप कट करोगे तो कितना आपको मिलने वाला है, 1.5 श्योर शॉट आपको एक फ्रैगमेंट मिलने वाला है, बाकी अदर फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, क्लियर है.
कि आपने जब PHT1 और HEN3 से करेंगे तो आपको 1.5 KB का श्योर शॉट फ्रैगमेंट मिलेगा। तो आप इसी श्योर शॉट फ्रैगमेंट से ही बैंड देखेंगे आप अपने ऑप्शंस में। ऑप्शंस देखिए अब यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस में क्या है कि जब आपके पास 500 के बेस पेयर का बैंड मिल रहा था किस पे, एच प्लस बी में, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी देखिए आप, ठीक है, सी ऑप्शन में है, एच प्लस बी में आपको 500 बेस पेयर का बैंड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो एच प्लस पी में है हिन थ्री और PHT, उसमें 1.5 KB का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि इंसर्ट लिया आपने, इंसर्ट और यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर और इंसर्ट को क्या किया, इंसर्ट किया 5' to 3' डायरेक्शन में। यहाँ पे 3 बेस पेयर है या यहाँ भी 3 बेस पेयर है हिन साइड, तो बैम एच वन पे आपने इंसर्ट करोगे तो आपको टोटल 300 + 300 ये कितना हो जाएगा, 600 बेस पेयर, फिर 200 बेस पेयर के बाद एक हिन थ्री साइड थी, फिर उसके 700 बेस पेयर के बाद एक बैम एच वन साइड था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइड्स कितने हैं हिन थ्री के, सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शन साइड्स हैं, तो आपको फ्रैगमेंट कितने मिलेंगे, 3 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ 3 फ्रैगमेंट्स मिलने हैं, ठीक है। उसके बाद बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलर प्लाज्मिड, वही मैं बता चुका हूँ पहले कि अगर सर्कुलर होगा तो नंबर ऑफ जो फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बराबर होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ हिन थ्री से डाइजेस्ट करना है, तो आप नंबर ऑफ साइट्स जो देखेंगे सिर्फ हिन थ्री का देखेंगे। यहाँ पे डाइजेस्ट करिए, हिन थ्री से डाइजेस्ट करेंगे तो एक फ्रैगमेंट आपको 600 बेस पेयर का मिलेगा यहाँ देखिए, ठीक है, उसके बाद एक फ्रैगमेंट 200 बेस पेयर का मिलेगा और एक 3400 मिलेगा, 700 + 2700 बेस पेयर का रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से रन होगा, 3400 बेस पेयर का एक, 600 एक 200 बेस पेयर का। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देखिए 3 फ्रैगमेंट जनरेट हो रहे थे, यहाँ पे 2-2 ही जनरेट हुआ है, तो ये ऑप्शंस गलत है। फर्स्ट और बी में देखेंगे यहाँ पे 200 बेस पेयर का एक है, यहाँ पे एक 600 का है, बस इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 1000 बेस पेयर का है, इसे मैच करिए लैडर से तो 1000 बेस पेयर का, मतलब कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और अगर आपका कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप फॉर फर्दर अपडेट्स एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑन माई फेसबुक ग्रुप, और आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं वीडियोस लेक्चर डिलीवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।